बहुत ही अच्छी है जिससे हमें बहुत परेशानी होती है और कभी भी हादसा होने की घटना है जिससे हमें बहुत परेशानी होती है और टीचर न होने के कारण पढ़ाई अच्छी खासी। 2004 में ये हाई स्कूल में इसका उच्चीकरण हुआ था और तब से जो ये बिल्डिंग है यहाँ की, ये एक प्रकार से श्रमदान के द्वारा बनाया गया था और तब से लगभग 2004 से ये इसी में चल रहा है। जबकि बिल्डिंग की स्थिति अच्छी नहीं है, जीर्ण अवस्था में है, इसके ये हैं कि पत्थरों की दीवारें हैं, तो इसलिए हमारी ये मांग है कि विद्यालय के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए इसको एक मजबूत ढांचा, अच्छी बिल्डिंग के रूप में इसको परिवर्तित कर दिया जाए इसके लिए, ताकि बच्चों का जीवन भी सुरक्षित रह सके, अच्छी पढ़ाई लिखाई हो सके। मैं तो ये कहूँगा कि वर्ष 2018 में जून में हमने एक प्रस्ताव भेजा था पूरी विद्यालय प्रबंध समिति का, फोटो सही, उसमें विभाग द्वारा हमको बताया गया कि यहाँ पे बिल्डिंग 6 लाख स्वीकृत हो चुके हैं। ठीक, वर्ष 2018 से अभी तक भी कोई पैसा नहीं आया, ना कोई हमें पत्र आया है। फिलहाल हम यहाँ पे जूनियर हाई स्कूल सरतुली में 3 अध्यापक हैं, जो हम अपने संसाधनों के द्वारा हम बच्चों को यहाँ पे अपने देख रेख के अनुसार काम कर रहे हैं। और बाकी ये बिल्डिंग बहुत जीर्ण है और कई विभागीय अधिकारी भी आ गए थे, हमारे BO साहब आए थे और AD बेसिक आए थे पौड़ी से, उनके द्वारा भी मैंने उनको भी अवगत कराया गया था, उनके द्वारा भी बताया गया तुरंत यहाँ ये काम आएगा, लेकिन आज तक अभी यहाँ पे कोई काम नहीं आया। देखिए, हाई स्कूल सरतुली और जूनियर हाई स्कूल सरतुली का निरीक्षण मेरे द्वारा किया गया है। जब मैं वहाँ गया तो उसके बाद भवन तो जीर्ण शीर्ण है, लेकिन वहाँ के लिए हमने जिला योजना में 6 लाख रुपये रखे हैं फिलहाल, और क्योंकि हमारे जो है काफ़ी विद्यालय इस प्रकार की श्रेणी में आते हैं, तो हमें चाह रहे हैं कि यदि वहाँ से एस्टिमेट जैसे बन के आता है और एस्टिमेट बनने के बाद हम उस स्टेट को अपने डायरेक्टर को भेज देंगे, निदेशालय स्तर पर से ही वहाँ से जो धनराशि होगी वो उन्हें स्वीकृत हो पाएगी।